तो है गैस, वेलकम बैक माय यूट्यूब वीडियो। आई होप गैस आप लोग सब अच्छे होंगे और अभी बहुत ही मजा आ रहा है गैस यहाँ पे, और मैं आपको डुगू को दिखाता हूँ कि वो क्या कर रहा है ना। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो गैस आप देख सकते हैं अभी डुगू पोछा मार रहा है। बाबू बाबू डुगू सोना बाबू, कितना अच्छा पोछा मारता है मेरा बाबू। अच्छा से साफ कर दो पूरा। तो गैस अभी चलते हैं किचन की ओर और आपको किचन में दिखाते हैं क्या बन रहा है अभी, है ना। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली गैस सब लोग किचन में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे आटा गूंदा हुआ है और ये यहाँ पे झेलिया बन रहा है ना। तो आप देख सकते हैं गैस कितना अच्छा सा इसको एक सेप में लाया जाता है, हाथ से सेप किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सारा रखा हुआ है। तो और आप देख सकते हैं गैस कितना सारा यहाँ पे तला चुका है ना, और यहाँ पे इतना सारा तला रहा है। तो अभी आगे दिखाते हैं वीडियो में इसके बाद क्या होने वाला है। तो गैस अभी आंगन में बैठे हुए हैं और अभी डुगू बहुत ही सारा नौटंकी कर रहा है ना। तो अभी डुगू को दिखाते हैं क्या कर रहा है। अभी उसका पोछा मारने का हो गया तो अब वो झाड़ू मारने के जाए, तो मैं आपको दिखाता हूँ झाड़ू कैसे मारता है। देख सकते हैं अब डुगू अभी एक तो चिमटी को मार के खत्म कर दिया। हाँ बाबू चिमटू को मार दिया। अरे तो देख सकते हैं गाइस इसको कितना खुशी मिल रहा है। बाप रे ये तो मेरा तरफ चिमटी कर रहा है। क्या कर रहा है डुगू, हमको बैठने से दो, हमको शांति से बैठने भी दो। तो अच्छा से झाड़ू मार ले ठीक है डुगू। नहीं बाप रे। तो फाइनली गाइस हमारा झिलिया बन के तैयार हो चुका है और आप डुगू का रिएक्शन देख सकते हैं। डुगू खा गया सोना, उठा लो एक तो। अरे बाप रे कितना बड़ा उठा रहा है बाबू। तो गाइस डुगू खा चुका है ना। तो गाइस डुगू पूरा मेरा कपड़ा में लगा चुका है ना, तो इसको हाथ धुलाते हैं पहले और बताते हैं कि इसको कैसे किस टाइप से बनाया जाता है ना। बाप रे गिर गया। तो गाइस पूरा डुगू मेरा कपड़ा में लगा दिया। तो हाँ गाइस उसके बाद इसका रेसिपी बताते हैं हम लोग, है ना। डुगू इसका रेसिपी बता दे, डुगू इसका रेसिपी बता दे फिर से करो। क्या कह दे, गुस्सा हो रहा है। तो हाँ गाइस इसको मतलब ये आटा से और गुड़ का बनता है जिसको झिलिया बोला जाता है ना। तो हाँ गाइस तो अभी बन चुका है इसको और हल्का सी इसमें जमने में टाइम लगता है ना, तो ये जम जाएगा उसके बाद फिर खाएंगे हम लोग, है ना डुगू। सुनो ना झिलिया झिलिया देखो इधर झिलिया जमेगा, खाएगा तुम। हाँ इसको और चाहिए तो हाँ गाइस और देना होगा इसको, जा रहा है इसको पता है कहाँ पे रखा हुआ है ना। डुगू फ्रिज खोल चुका है और आप देख सकते हैं बहुत ही सातिर दिमाग हो गया इसका, और देखिए बहुत अच्छा। निकाल लो एक ठो, लो एक ठो उठा लो, लो एक ठो उठा लो, एक ठो उठाना, पूरा डूबा नहीं चाहिए, पूरा डूबा नहीं, एक ठो लो, एक ठो खाना है तो एक ठो लो, एक ठो उठाओ। अरे एक पीस उठाओ यार, एक पीस उठाना है आपको। तू बार बार फ्रिज क्यों ढक्का दे रहा है, जाओ तुमको नहीं देंगे, बक तुमको नहीं देंगे, हट तुमको नहीं देंगे। हाँ तो ले लो एक ठो चाहिए तो ले लो एक ठो, एक ठो ज्यादा नहीं, हाँ एक ठो चलो उठाओ। अरे बाप एक ठो डुगू, हाँ ठीक है ले लो एक ठो ज्यादा नहीं, हाँ हो गया बस। तो गैस डुगू अपना एक ठो ले चुका है और खा रहा है। A few moments later. तो फाइनली गाइस आज हरिबोला कीर्तन का पांचवा दिन है ना। तो हाँ गाइस और आज डुगू मेरे साथ है और ये भी बोला है कि मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा। तो अभी हम डुगू चलने वाले हैं। डुगू हरिबोला जाएगा, हाँ कीर्तन करेगा, अच्छा ताली ताली करेगा, ताली ताली हाँ। तो हाँ गाइस अभी हम लोग चलते हैं हरिबोला और मिलते हैं आपसे हरिबोला में, कीर्तन कर देते हैं। बोलो हरी 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 बोलो हरी
तो फाइनली गाइस हरिबोला कीर्तन करके आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। और आज हमने देखा मतलब डुगू से थोड़ी थोड़ी बड़ी मस्ती की है और उसके बाद नानी स्पेशल झिलिया मिठाई बनाई थी तो हाँ खाए और बहुत ही टेस्टी था। तो हाँ जमने के बाद और ही भी अच्छा लग रहा था गाइस, जब वो जम गया ना पूरा उसका गुड़ पूरा अच्छा से चिपक गया, उसका मिक्सअप दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में हो गया पूरा अच्छा से, तो और भी अच्छा लग रहा था गाइस है ना। तो हाँ गाइस और उसके बाद फिर आज हरिबोला भी कर लिए, आज पांचवा दिन था। तो हाँ गाइस और बहुत ही अच्छा लगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।